नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरी चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपसे मोटिवेशनल टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। तो आपसे एक निवेदन है कि मेरा ये वीडियो अंत तक देखें। सभी के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब सभी चीज़ें आपके विरोध में हो रही हो और हर तरफ से निराशा मिल रही हो। चाहे आप एक प्रोग्रामर है या कुछ और, आप जीवन के उस हर मोड़ पर खड़े होते हैं जहां सब कुछ गलत हो रहा होता है। अब आप कंप्यूटर तो नहीं है कि वायरस वाली फाइल को डिलीट कर दिया और कंप्यूटर को साफ कर दिया। आप एक इंसान है, वो सब कुछ आपके पास है जो आप नहीं जानते हैं। एक इंसान जन्म से लेकर मृत्यु तक मुसीबतों से घिरा रहता है। उसे चोट भी लगती है और हार भी मिलती है, पर क्या वो जीना छोड़ देता है? नहीं ना। इसीलिए जब भी मुश्किल आए, आप उसे हराए और खुद को जिताए। सही मायने में विफलता सफलता से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। हमारे इतिहास में जितने भी बिजनेसमैन, साइंटिस्ट और महापुरुष हुए हैं, वो जीवन में सफल बनने से पहले लगातार कई बार फेल हो चुके हैं। जब हम बहुत सारे काम कर रहे हो तो ये जरूरी नहीं कि सब कुछ सही होगा, लेकिन आप इस वजह से प्रयास करना छोड़ देंगे तो कभी सफल नहीं हो सकते। हेनरी फोर्ड, जो बिलियनेयर और विश्व प्रसिद्ध फोर्ड मोटर कंपनी के मालिक है, वो सफल बनने से पहले 5 अन्य बिजनेस में फेल हो गए थे। कोई और होता तो 5 बार अलग अलग बिजनेस में फेल होने और कर्ज में डूबने के कारण टूट जाता, लेकिन फोर्ड ने ऐसा नहीं किया और आज एक बिलियनर कंपनी के मालिक है। अगर विफलता की बात करें तो थॉमस अल्वा एडिसन का नाम सबसे पहले आता है। लाइट बल्ब बनाने से पहले उसने लगभग 1000 विफल प्रयोग किए थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो 4 साल की उम्र तक कुछ बोल नहीं पाते थे और 7 साल की उम्र तक निरक्षर थे, लोग उनको दिमागी रूप से कमजोर मानते थे, लेकिन अपनी थियोरी और सिद्धांत के बल पर वो दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट बने। अब जरा सोचिए कि अगर हेनरी फोर्ड 5 बिजनेस में फेल होने के बाद निराश होकर बैठ जाते, या एडिसन 1000 असफल प्रयोग के बाद उम्मीद छोड़ देते, और आइंस्टीन भी खुद को दिमागी हालत से कमजोर मान लेते, तो क्या होता? तो मित्रों, असफलता सफलता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। असफलता ही इंसान को सफलता का मार्ग दिखाती है। किसी ने बहुत सच ही कहा है, जीतने वाले कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी जीत नहीं सकते। आज सभी लोग अपने भाग्य और परिस्थिति को कोसते हैं, लेकिन खुद पर किसी को भरोसा नहीं होता। अब जरा सोचिए कि अगर एडिसन भी खुद को अनलक्की समझकर प्रयास करना छोड़ देते तो दुनिया एक बहुत बड़े आविष्कार से वंचित रह जाती। आइंस्टीन भी अपने भाग्य को कोसकर जिंदगी पर बैठ सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। अगर किसी काम में असफल हो भी गए हैं तो क्या हुआ, ये अंत तो नहीं है ना? फिर से कोशिश करो, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मित्रों, असफलता तो सफलता की एक शुरुआत है, इससे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि पूरे जोश के साथ फिर से प्रयास करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसे ही मज़ेदार और मोटिवेशनल वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, लगातार हर रोज ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन वाले घंटी को ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।